हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ VLCC के इंस्टा गोल्ड ब्लीच। आप अगर मेरे चैनल में देखेंगे, मैंने बहुत सारी ब्लीच शेयर की है, चाहे वो रिचफील्ड की हो, चाहे वो फैम की हो, चाहे वो बहुत सारी की है, सेंसिटिव स्किन के लिए अलग की है, गोल्ड की भी बहुत सारी की है। एंड एक मैंने अफोर्डेबल फेशियल किट्स का वीडियो भी बनाया है, तो आप देख सकते हैं। ये VLCC की नेचुरल साइंस इंस्टा गोल्ड ब्लीच, आप लोगों को पता है बहुत ही पॉपुलर है VLCC की ये वाली ब्लीच, स्पेशली गोल्ड ब्लीच। अफोर्डेबल है, 60 रुपीज़ की आती है, 1.5 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है, एंड इजीली अवेलेबल कहीं पे भी मिल जाएगी। नॉर्मल आप देखें, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। एंड इसके साथ आपको मिलेगा प्री ब्लीच पैक, पोस्ट ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच पैक, एंड ये है ब्लीच क्रीम। सबसे पहले आपको इसके साथ मिलेगा एक इंस्टा गोल्ड ब्लीच, इस तरीके से होता है ये, आपको पता है हर ब्लीच में इस तरीके से है ये। उसके बाद आपको मिलेगा एक एक्टिवेटर, ये आप देखें एक्टिवेटर है ये। एक्टिवेटर का ही काम होता है कि ब्लीच में आप कितना यूज कर रहे हैं एक्टिवेटर, ये देखें एक्टिवेटर। उसके बाद आपको मिलेगा प्री ब्लीच क्रीम पाउच मिलेगा एंड पोस्ट ब्लीच पैक, इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले अपने फेस में आपको ये अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको ब्लीच अप्लाई करनी है, और उसके बाद पोस्ट ब्लीच पैक अप्लाई करना है। बट कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो ना भी हो, आप एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। बिकॉज सम पीपल का फेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, उनको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्लो, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी अभी है, चल रही है, गई है, उसके बाद आपके फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे। दुर्गा पूजा है, दशहरा है, करवा चौथ है, दिवाली है, और फिर वेडिंग सीजन है। तो एक गोल्ड ब्लीच एंड गोल्ड फेशियल तो एक मुझे लगता है मैरिट भी होता है, लोग कराते ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ब्लीच आप जब भी अप्लाई करें, कुछ डूज एंड डॉन्स होते हैं। सबसे पहले एक पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप अपने फेस में ना जब भी ब्लीच करते हैं उसके बाद सोप मत अप्लाई कीजिए या फेस वॉश कुछ मत कीजिए, एटलीस्ट 5 आवर्स तक। आई थिंक यहाँ पे भी मेंशन होता है कहीं पे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड थर्ड, आप ब्लीच करके एकदम धूप में मत जाइए, बिकॉज वो अच्छा नहीं होता। तो कोशिश कीजिए आप रात में ही ब्लीच कीजिए, एंड काफ़ी अच्छी ब्लीच है एंड सबको सूटेबल, मुझे लगता है ये वाली ब्लीच आई थिंक सब लोगों को सूटेबल सूट करती है। और इसमें है विद गोल्ड ऑक्साइड, मतलब गोल्ड है तो भी चमकेगा ही चमकेगा आपका फेस, ये देखें। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो वॉचिंग माई वीडियो।